झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता की गुंडागर्दी से पाकी विधानसभा के ग्रामीण जनताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता डॉक्टर शशि भूषण मेहता के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला जलाया। 21 फरवरी को नेता एक सैलून की दुकान में जाकर सरेआम दुकानदार के साथ पिटाई करते नजर आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता डॉक्टर शशि भूषण मेहता अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह की कोई बात ही नहीं है। स्थानीय विधायक के इशारे पर उन्हें बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। हालांकि जो भी हो सच्चाई वो तो जांच के बाद ही पता चल सकेगी, लेकिन जांच नहीं होगी तो ये मामला इसी तरह से अधर में लटका रहेगा। आज आप जुलूस निकाले हैं तो किस लिए निकाले हैं? हम सुनील ठाकुर, हम अपना सैलून चला रहे थे, उसी कर में मैं बाल दाढ़ी बना रहा था और उसका पहले दो आदमी शशि भूषण के दो आदमी गए बुला रहे हैं। हम बोले कि हम बाल दाढ़ी बनाएंगे, इसके बाद हम डाई करके आ रहे हैं। उसके बाद अपने से डायरेक्ट शशि भूषण मेहता जी ऐसे हमारी दुकान पर फैल गए। फैलना के बाद जैसे हमारे साथ मारपीट करने लगे, मारपीट करने लगे, तुम गाली दिया है, तुम ऐसे किया है, तुमको मादरचोद किया, ऐसे किया। हम बोले भैया हम गाली नहीं दिए, नहीं तो नहीं गाली तुम दिया है। उसके बाद उसे मारपीट करने लगा। इसके बाद उसे भी कहा बोल रहा है, अरे गोली इसको इतना मार दो, मार के साइड दो डिक्की में, गाड़ी में। तो हम बोले कि यही बात कि आप जो दूसरे के कान पर मत चलिए। तू बोलेगा रे मादरचोद, तू बोलेगा रे मादरचोद, तुमको क्या समझ।